वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 5 के बारे में। Redmi 5 के अंदर अगर आपको इनकमिंग कॉल में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई हमें कॉल मिलाता है तो वो उस सिचुएशन में हमें बिज़ी बताता है या वेटिंग में बताता है, तो हमारी इनकमिंग कॉल आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जो है सेटिंग्स में जाना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर कुछ आपको अपडेट में डिफरेंस मिल सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, तो आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर मिलता है आपको ऊपर इंस्टॉलेड ऐप के सिस्टम ऐप्स, तो सिस्टम ऐप्स को खोल लेना होगा। तो सिस्टम ऐप्स को खोलने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है कॉल सेटिंग्स, तो कॉल सेटिंग्स को भी आपको खोल लेना है। और फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर मिलेगी एडवांस सेटिंग्स, तो एडवांस सेटिंग्स में भी आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे जाना है फिर, और यहाँ पर मिलती है आपको कॉल बैरिंग, तो कॉल बैरिंग के अंदर भी हम चलते हैं। और यहाँ पर सिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो सिम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर मिलेगा ऑल इनकमिंग कॉल्स, तो ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको अगर ये वाला ऑप्शन चालू दिखता है तो उसको बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब भी आपको देखने को मिलती है जब आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये चालू हो जाता है। तो इसको जो है आप बंद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको चालू करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मेरा बंद है, आपको भी इस तरीके से बंद करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।